प्लास्टिक के बाल हैं इस पैच के अंदर, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों। और भाई दूर से देखो शाइनिंग भी कितनी ज्यादा है। और ये स्टार्टिंग में तो हमारे दोस्त कुछ ऐसे होते हैं कि भाई पहचान लेते हैं, कुछ दोस्त पहचान लेते हैं, और कुछ जो नए क्लाइंट होते हैं भाई उनको नहीं पहचान पाते हैं वो। ठीक है, जो पुराने क्लाइंट हैं वो अधिकतर पहचान लेते हैं कि भाई प्लास्टिक के बाल कौन से हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखो मैं कहता हूँ दोस्तों कि भाई थोड़ा सस्ते के चक्कर मत जाओ। अगर आपको अच्छी क्वालिटी लगवानी है थोड़ा सा महीने दो महीने तीन महीने रुक जाओ, अच्छी क्वालिटी में लगवाओ, जिससे कि भाई किसी को पता भी नहीं चलेगा और लुक भी आपका जो आएगा ना पैच के अंदर भाई बहुत बढ़िया आएगा। और पैच भी जो है ना दोस्तों ऐसा नहीं मिलेगा आपको, और वो भी बढ़िया क्वालिटी में पैच मिलेगा आपको। ठीक है, अब जैसे आजकल वीडियो में चल रहा है कि भाई 4,000-5,000 का पैच ले लिया, तो भाई 4,000-5,000 में आपको इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं देगा, प्लास्टिक के बाल ही देगा। आप सोचने लगो कि भाई ओरिजिनल पैच मिल जाएगा आपको, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। ठीक है, बाकी अगर अच्छी क्वालिटी में पैच लोगे ना उसके अंदर बाल भी नेचुरल